और क्या देखने रुके हैं? नो कॉम्प्रोमाइज ने लगे हैं, प्रेफर यही करते हैं कि बाइक्स पे आओ। अस्सलामु अलैकुम गाइस, सो ये मैं अभी पहुंच गया हूँ दोस्त के हॉस्टल के बाहर और सुबह के 6 बज रहे हैं और थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से। तो बाकी रूट जाना नहीं था। अच्छा, सस्ती एक्टिंग के 10 रुपये काट लेगा। वो अंदर जो आपको दिखाई थी अभी क्लिप पे, वो सो रहा था, वो जाग रहा था, उससे एक्टिंग कराई थी, आपके टेस्ट कर रहे थे। यार इतना नहा धो के कौन सोने जाता है, आप खुद बताओ। अब आगे आप समझदार हैं। तो मैं जब आया था, मैंने खटखटाया दरवाज़ा, वो तैयार बिल्कुल नहीं था जो टाइम दिया था। उठाया, कहता है 20 मिनट मांगे हैं, तो दे दिए हैं बच्चे को। अब देखते हैं, आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये लेजेंड। तो अब ये हम स्टॉप पे रुके हैं क्योंकि बाइक को थोड़ा ठंडा भी होने देना है। और ये जो आप देख रहे हैं, इतने हम चिट्टे नहीं हैं, ये पता नहीं कैमरे में नेचुरल फिल्टर कोई फिट हुआ है भाई। हाँ, क्या बताएं और क्या बताएं। अब पीछे ये बाकिर भाई हैं और ये हमारी बाइक है, ये हम हैं और ये नहीं ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो यहाँ से अभी हम जहाँ रुके हैं स्टॉप से, यहाँ पे व्यू आपको दिखाते हैं। ये नीचे गाँव है कोई, तो व्यू चेक करें भाई, बाकमाल, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये कोई रेस्ट एरिया सा है। हम लोग बाइक पे आए हैं, तो हम पुराने मरी के रूट से आए हैं, तो इस पे रूट पे कार्स बहुत कम थी और लोकल गाड़ियां वगैरह ज़्यादा थी क्योंकि उनको शॉर्ट पड़ता होगा रास्ता। और बाकी यही हिसाब है। अब बाकिर भाई आपको कुछ बताना चाहेंगे, इधर आ जाएं जी बाकिर भाई। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे ये है कि क्या बताऊँ। कट कर दे, सस्ती एक्टिंग के लिए ये पार्ट कट कर दे। अच्छा, तो ठंड बड़ी लगी है भाई, क्योंकि बाइक पे जाहिर सी बात है, हम निकले थे सुबह सुबह 6:30 बजे। हाँ, तो काफ़ी ठंड थी। मतलब मेरा बचत ये हो गया कि ग्लव्स पहन लिए थे और हेलमेट पहन लिए थे, वरना रगड़ा जाना था। और बाकी आपको रास्ते में और भी वीडियोस वगैरह दिखाएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ व्लॉग में, इन्जॉय करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चंगा, फिर हम फिर निकलते हैं बाइक का, क्योंकि रेस्ट हो गया, ज़्यादा रेस्ट भी नहीं देना, तो आगे मिलते हैं। अच्छा, तो बाकिर भाई की रिक्वेस्ट पे हम इस जगह पे रुके हैं और क्या देखने रुके हैं ये आपको दिखा देते हैं। ये पीछे दरख्त जो है वाइट सा, ये क्वाइट अपीलिंग लुक दे रहा था। मोड़ से हम रुके, बाकिर ने कहा इधर रुको। तो बाकिर की अभी हालत यह है, ये अन्ना हुआ हुआ है। क्यों? इसने लगाए हैं काले चश्मे, ये शीशे जो लगाए हुए हैं इसने, इसको कुछ नज़र नहीं आया। कहता है दरख्त क्या है, मैंने बताया दरख्त है, रुका के आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें तस्वीरें भी आप कर लें, तो आप इनका एक्सपीरियंस इन्हीं से जान लें। एक्सपीरियंस क्या है मेरा, मैं कुछ 10 साल मुझे हो गए यहाँ पे। मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ तुम्हें, तो चल बता। तो यहाँ पे ये सीन है कि यहाँ पे जरा रुके हम, एक तो मुझे ठंड बहुत लग रही है क्योंकि मैंने बिल्कुल तैयारी श्यारी नहीं की हुई थी, और इसने हमें सुबह सुबह उठा के कहा कि चलो मरी चले। तो अब देखते हैं कि मरी में क्या ठंड का क्या सीन है। तो अगर ठंड ज़्यादा हुई तो मुझे फिर वहाँ से कुछ जैकेट बाय करनी पड़ेगी। आपको पता है फिर ठंड पे नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो यही सारा सीन चल रहा है। नहीं नहीं, तो हमारा गुजारा चल रहा है, हम जैकेट पहन गए हैं, हम प्रिपेयर्ड होके आए हैं, हम ग्लव्स भी लेकर आए हैं। ये देखिए, ये पैंट आ रही है, अब इसमें तो ठंड लगनी ही लगनी है। हाँ, तो अब देखे मरी जाके क्या होते हैं। मैं तो कहता हूँ चांस है कि गर्मी गर्मी तो नहीं, लेकिन ठंड नहीं लगेगी क्योंकि अभी धूप निकल रही है। क्योंकि असल में हम निकले थे जो सुबह सुबह, तो ठंड का आपको सीन्स जानते ही, और बाइक पे निकलो तो फिर वो तो अलग ही चक्कर है। तो पीछे यहाँ आपको चक्कर कोई थोड़ा नहीं सा, ये सारा वेदर का कमाल होता है, चक्कर क्या होता है इसमें ये बताता हूँ। ये बात है, एक्टिंग के मुंडे से 10 रुपये का। ये आप देख सकते हैं व्यू, हम जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। नीचे आप चेक करें, वो बैल आपको नज़र आ रहा होगा, और ये दरख्त तो नीचे पूरा। अभी हम और टॉप पे जाएंगे, तो वहाँ से भी आपको व्यू वगैरह भी दिखाएंगे, व्लॉगिंग भी चलती रहेगी। तो कीप एंजॉयिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। तो ठंड का फुल सीन है,
तो अभी रुके हैं बाकिर और मैं चाय पीने के लिए, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और अभी बिल्कुल जहाँ पे खोखे से जहाँ से चाय पी रहे हैं उसके बिल्कुल फ्रंट में आप खड़े हैं ताकि धूप थोड़ी अब्जॉर्ब कर सकें। नहीं जादू नहीं बन गए ये द लेजेंड बाकिर। हेलो हाय, मिलते हैं बाकिर चाय के लिए। ये बाकिर चाय को चेक कर रहे हैं ज़रा, सीधे हाथ से चौक, सीधे हाथ से शालीमार होटल में बाकिर साहब चाय चेक कर रहे हैं और चाय सही लेवल की है। और जो भी है यहाँ से चाय लाजमी ट्राई करें और पिए, खुद तो ट्राई कर लो पहले। नहीं, मैंने की ट्राई पहले। अच्छा अच्छा, पहले की ट्राई। गुड गुड, बस ये सीन चल रहा सारा तो ठीक। चाय है जी लेवल की। नाश्ते के लिए हम रास्ते में रुके हैं बड़ी फिट पॉइंट पे और अभी हमने नाश्ता ऑर्डर किया है जी, वो जी। भी आप साथ में देखेगा और ये आगे आपको व्यू भी चेक कराते हैं। इस होटल में नाश्ता भी सुना है मज़े का है और ताज़ा आएगा। और असल जो मेन चीज़ है इस होटल की व्यू, exactly. आप देख सकते हैं। अब मतलब आप ऊपर जाके खाएं वो तो लगेगा जैसे मार्केट में बैठ के खा रहे हैं, नेचुरल लुक नहीं आएगी, मतलब वो फील नहीं आएगी जो यहाँ पे बैठ के जो इन्जॉय करके खाएंगे, तो यहाँ का अलग ही शुगल है। तो इसलिए हमने ये चूज़ किया और नाश्ता करके अभी टाइट हो जाएंगे, मतलब हरी जान शान रिकवर हो जाएगी। इधर बैठे हैं शर्ट के अंदर, ये सही इन्जॉय करके नाश्ते का सीन होने लगा है। तो ये ऊपर चेक करें, शेड के ऊपर आपको ये प्लास्टिक का कबूतर नज़र आ रहा होगा, चेक करें ज़रा क्या डिज़ाइन हुआ हुआ इसका। बताएं व्यू है कि नहीं, क्लास का व्यू है कि नहीं इधर खाने का, अब ये आप फैसला करें। अच्छा तो नाश्ता आ चुका है जी, ये बाकिर साहब बैठे हैं नाश्ते को लेके और यहाँ पे हम आपको ना इसका टेस्ट चेक करके इसका टेस्ट कैसा है। तो ये बाकिर साहब टेस्ट करने लगे हैं, आलू बॉयज को बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ा क्रिस्पी है, बड़ा मज़ा आ रहा है खाने का। क्रिस्पी क्रंची, यस एग्जैक्टली। और हाँ जी बाकिर कैसा है? नाइस। अब हम करने लगे हैं टेस्ट और तुम तो खाओ ना, टेस्ट ना करो तुम। मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। अब हो चुका है नाश्ता ख़त्म और सही क्लास का नाश्ता था, काफ़ी टेस्टी था। और अब हम सफ़र अपना कंटिन्यू करने लगे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। बाकिर आप ढूंढ रहे होंगे किधर है, बाकिर साहब गए हैं हाथ धोने, ठीक है। तो मिलते हैं उनसे भी थोड़ी देर में, आप लोग हमारे तो साथ ही हैं, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये जिनका आपको इंतज़ार था बाकिर साहब आ गए हैं जी, नाश्ते का रिव्यू देते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है, बड़ा अच्छा लगा। और जैसे कि वो भाई साहब ने कहा था कि नाश्ता बड़ा अच्छा, हम आपको फ्रेश बना के देंगे। और वैसे ही था, लेकिन थोड़ा ऑमलेट जो था ना वो थोड़ा सा लगा मुझे, लेकिन बाकी जो ओवरऑल पराठे का टेस्ट था और क्या कहते हैं चने का, वो लेवल का था और बहुत ही हाइजेनिक फूड था। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो ये सारा सीन है। हाँ तो ये सारा सीन है। तो आप चलते हैं आगे, कोई 8 किलोमीटर रहता है, मरी रहता है। तो बाकी जाके व्लॉगिंग हम उधर करेंगे और हम आपको दिखाएंगे वहाँ का माल रोड और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बाकिर के साथ। हेलो जी, यहाँ से हम राइट होंगे तो सीधा माल रोड, मरी और पीसी बुरबन, लोहर टोपा और ये सारे हैं। तो आए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं मरी माल रोड की नज़ारे। अब यहाँ से हमने ऊपर जाना है मरी के रास्ते और ये हम रूट पे चढ़ चुके हैं, हम मिलते हैं आपसे मरी में। ये अब हम ही माल रोड पे चढ़ चुके हैं जी और आपको यहाँ पे भी सैर कराते हैं।
जैसे कि आप देखेंगे कि बिल्कुल हम माल रोड के ऊपर ही हैं, तो ये सामने देखेंगे यहाँ पे शॉपिंग की शॉप्स हैं कुछ, और यहाँ पे ये सारा सीन ऑन है। तो फिलहाल तो है सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है, तो वरना तो अगर आपने विजिट करना हो ना तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप शाम को आएँ, इवनिंग टाइम आएँ, वहाँ से ही तब से ये माल रोड स्टार्ट होता है, मतलब लाइक एंजॉयमेंट होती है प्लस आउटिंग होती असल है, असल लाइफ शाम को है इधर। हम तो बस ये है कि हमारे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा कि हम शाम को आते, तो हम अभी आए हैं तो ये हम सस्ते कर रहे हैं। जी 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 बोले, हम अभी घूम रहे हैं माल रोड पे और ये ऐसे ही है, पीछे फेमस रेस्टोरेंट्स वगैरह है कुछ, तो अभी हम पैदल घूम रहे हैं जी, और भी जगहें देखेंगे, माल रोड घूमेंगे exactly. उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमारे लिए बाकी चीज़ें बोरिंग हो रही हैं, क्योंकि ना हमें शॉपिंग वगैरह का शौक है और आगे आप समझदार हैं, लेकिन अभी सुबह का टाइम है ना तो यहाँ भी इस वक्त रश नहीं है, और KFC और फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये सब फिलहाल क्लोज हैं, तो क्लोज मतलब खाली है, मतलब खाली है, लाइक ये खुलेंगे 12-1 बजे खुलेंगे, तो अब वैसे भी यहाँ पे माल रोड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ये जो कॉफी वगैरह ये सब ये भी बंद है क्योंकि शाम को माहौल है। हाँ जी, ये पूरी रात को ये जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं ये बंदे, ये भी डिफरेंट माहौल है, ये भी कराची माहौल है, कराची जैसे कराची में होता है कि पूरी रात जागते हैं और सारे दिन सोते हैं, तो बेसिकली ये टूरिस्ट स्पॉट है एक, तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप नहीं आए जरूर एक बार आने वाली जगह है। हाँ जरूर आए। तो रास्ते में हम जा रहे थे, बड़ा कलरफुल सा पत्थर नजर आया बाकी साहब को जी, पीछे ही आप देख सकते हैं ये पत्थर का नाम है जाम शुरू पत्थर है, ये बेसिकली ये पत्थर बहुत नायाब है और रेयर है पत्थर, और ये मार्गरा हिल्स के अलावा मेरे ख्याल में ये एक पत्थर रह गया सिर्फ, और जस्ट किडिंग नहीं, जस्ट किडिंग नहीं है, वाकई है ये यार, क्या हो गया। अच्छा, और ये कश्मीर से मतलब कि लाइक उधर उधर वहां भी इस तरह के, तो व्यूअर्स आप लोग लपेटना शुरू करें तो बाकी कंटिन्यू लपेटें, और ये देखें ना ये बिल्कुल पत्थर का जो ये मिक्सचर है सारा, और ये आखिरी पत्थर रहेगा पूरी दुनिया में। अच्छा अच्छा, इसके साथ का और कोई पत्थर नहीं है, मतलब तो ये जो ना बड़ा पत्थर है, क्योंकि पत्थर कोई एक कलर नहीं है, क्योंकि इस पत्थर के कोई हजारों कलर है, ये डार्क है, ये ब्लू है, ये वाइट है, कलर तो बाकी पत्थर के बहुत हैं, तो ये आपको पिक्चर एक दिखाते हैं जरा, उसमें आप बताएं कलरफुल सा लगा है तभी हमने कहा है। यस, इसमें पिक्चर देखें, तो रास्ते में ये भी हमें बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट आया, तो हम रुक गए, ये पीछे आप देख सकते हैं बर्फ वाले पहाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे, चेक करें यार व्यू क्लास का है। हम वहाँ मरी से निकल के नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप है अयूबिया, और अभी हम थोड़ा सा बाइक को रेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे रुके हैं मोड़ पे, और यहाँ पे व्यू भी बहुत क्लासिक। हम कितने बाकर फीट ऊपर होंगे अभी, अभी इस्लामाबाद से राउंड अबाउट 10,000 फीट की बुलंदी होगी मेरी, इसी तरह बहुत ऊंची हाइट पे है। हाँ। और बाइक चढ़ रहा था, कुछ मोड़ों पे पहला गियर हमें लगाना पड़ रहा था, लेकिन मतलब कि अप्रोच है, का बाइक अप्रोच है, आप इजीली अगर आपके पास 70 है होंडा 70 ओरिजिनल है, तो आप मतलब कि आ सकते हैं और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं एक शॉर्ट बजट में और कम टाइम में। अब देखें हम दो बंदे आ गए हैं होंडा 70 पे। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, अभी आप ऊंचाई देख लें और ये चढ़ाई आप देख लें, अगर अशर इस तरह करो ना जूम, ये बैक करो, ये दिखाओ रोड उनको, कितना एक है ये ऊंचा रोड है, चढ़ाई आप चेक करें, आप बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड पे हैं, अभी हमने देखा था साथ में हाइस वगैरह जो होती हैं, और हमारा अभी सांस तंग हो रहा है हम इतने वाकई मेरा सांस तंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ये सारा सीन चल रहा है। बाकी आप ये देखें ये आवाज़ हाइस वगैरह से, ये भी पहला या दूसरा गियर लगा हुआ है, और आगे यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें हम कितनी हाइट पे हैं यहाँ से, अभी हमारे पास यहाँ पे अगर पैराशूट होता तो मैं यहाँ आपको पैरा स्लाइडिंग करके दिखाता कि वो कैसी होती है सर, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम हमने ना ऐसा करना कि पैराशूट लेके आना।
तो हम यहाँ से इस तरह ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से इस तरह नीचे उतरेंगे। लपेटने का तरीका बताया? नहीं नहीं, लपेटने का तरीका नहीं बताएंगे। और यहाँ ऊपर कितने डेंजरस हम कट के साथ खड़े हैं ये आप इसको देख के अंदाजा लगा लें। ये बहुत ही, तो अयोध्या में चांस है कि हमें बर्फ़ मिल जाए क्योंकि नीचे हमने पूछा था, और रास्ते में इस तरह के स्पॉट्स भी कुछ आएंगे वहाँ पे भी तस्वीर खिंचाने के, वो है सीन। तो पेमेंट मांगते हैं, बाकी इंशाल्लाह अयोध्या जाते हैं तो देखें। बाकी कैसा लग रहा है व्लॉग कमेंट्स वगैरह में ज़रूर बताएगा, और अच्छा वीडियो को लाइक। ये बताएगा बाकिर, क्या बताऊंगा, क्या बता रहे थे? कुछ भी नहीं बता रहा था फिलहाल, तो फिलहाल तो मैं कैप्चर करवा रहा हूं, एक डीएसएलआर मिला है मुझे, फिर मिलते हैं। बाकिर साहब का फोटो शूट हो रहा है अभी, बाकी आपको इंशाल्लाह अयोध्या या रास्ते में मिलते हैं। तो अभी हम चिल कर रहे हैं, और बाइक पे एक और मज़ा जो आता है वो ये है, जो एनवायरनमेंट में आप घूम रहे हैं वही फील आती है। अब आप कहेंगे मतलब भी समझाना पड़ेगा यार, देखो जैसे बाइक पे घूम रहे हैं बाहर ठंड है, आपको ठंड लगेगी, बस समझ गए, गुड है, मिलते हैं फिर। तो हमें रास्ते में ये दो भाई भी मिले हैं, ये भी इस्लामाबाद से हैं और ये अयोध्या जा रहे हैं। तो अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस है बाइक का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बाइक पे अपना मज़ा आता है, सारों को प्रेफर यही करते हैं कि बाइक्स पे आओ, गाड़ियों को छोड़ो परे, ऐसे ही पैसे जाया करने वाली बात है, ऐसे ही है। अपने बाइक पे आओ, बाइक पे जाओ, जहाँ दिल करता है ब्रेक लगाओ, और वैसे भी शॉर्ट बजट में, आपको बहुत ही प्यारा जो है ना टूर करने का मौका मिलता है। हाँ बताएं कुछ अपने बारे में। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, पहले भी थे परी साइड पे, पहला था ये, अच्छा रहा मेरा। तो आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आवाज? ये मेरे साथ कंपनी है, वो भी भाई वीडियो बना रहे हैं कंपनी का नाम। तो ये सामने बर्फ वाला है, यहाँ भी आप देख सकते हैं अयोध्या में, ये पूरा बर्फ का पहाड़ है, ठीक है ना, इससे बर्फ ने इसे बिल्कुल ढांपा हुआ है अपने, वो आगोश जिसे कहते हैं एक है। तो और यहाँ है ठंड, और यहाँ पर थोड़ी ठंड भी लग रही है, जैकेट स्वेटर सब, और मेरे पास कुछ ऐसी तरह इस तरह की कोई है जैकेट वगैरह नहीं थी, जैसे ये भाई प्रिपेयर होके नहीं आए, आप प्रिपेयर होके आएगा एक तरह ऐसा ही है, आप हेड शर्ट पहन के आए, टोपी वगैरह डाल के आए। अब ये देखें पीछे हमारी ये बाइकें खड़ी हैं, सारे बॉयज इकट्ठे हैं, पिंडी बॉयज प्लस इस्लामाबाद बॉयज, एक मंडी बहाउद्दीन से भाई आए, ये भाई मंडी बहाउद्दीन से, बिल्कुल मैं मंडी से बाइक पे हूँ, वहाँ पे बाइक खड़ा किया है, अच्छा अच्छा, वहाँ से फिर मैं इसके साथ आया। वाह माशाल्लाह यार, ये थ्रू रोड राइड करके हैं मंडी। तो नॉर्दर्न आपका कम अभी तक आए थे, मतलब फर्स्ट टाइम आए ना बाइक पे, तो कैसा लग रहा है? सही वाला बताएं, फीलिंग फीलिंग शादी वाली नहीं होती, वो वाली फीलिंग आ रही। ठंड शंड है कि नहीं? नॉर्मल है, नॉर्मल है, अभी ये भी है ना धूप शूप निकली हुई है, निकली हुई है, वरना हम तो इस्लामाबाद से सुबह 6 बजे निकले हैं, वहाँ से आते हुए काम रहे थे, हमने सुबह 7 बजे निकलना था, मैं सोया हूँ, लेट सोया हूँ, अच्छा अच्छा, तो ये जनाब उठ गए थे, अच्छा फिर मैं नहीं उठा, मैं 9:30 बजे उठाऊँ, अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम आया यार, गुनाह किया फर्स्ट टाइम आ गया, आ गया proudmusiclibrary.com। Production Music Preview. ProudMusicLibrary.com. First time आए, किसी को बताया नहीं कि हम first time आए हैं, वो पकड़ लेंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें नजर आया है और हम रुक गए हैं। अब खुद बताएं आवा है कि नहीं, नीचे ये आप देख सकते हैं पहाड़ फुल ग्लेशियर है, स्लाइड करने का दिल कर रहा है लेकिन ये ऐसी गलती ना करेगा, ये भाई का स्लाइड करने का मूड हो रहा है माशाल्लाह से, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन लव लाइव आए मेरे साथ, अच्छा अच्छा, पैर
बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप शादी इंजॉय करें माशाल्लाह से, हम जो है नजारे इंजॉय करने आए हैं। क्या व्यू है आगे आपको, अब अपनी शक्ल के अलावा व्यू दिखाते हैं। ये देखें बीच में बादल का साया पड़ रहा है उस पहाड़ पे, इस सले पे नीचे ये आपको ग्लेशियर दिखाते हैं। यार लेवल है, लेवल ग्लेशियर नहीं है ये, वो ग्लेशियर नहीं सॉरी पहाड़, वो बर्फ ढकी हुई है उस पे। और ये व्यू आप चेक करें पीछे, वो बादलों के नीचे व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं, उसको बादल समझेगा मत, वो है बर्फ वाले पहाड़, वो ऊपर ग्लेशियर है, वो ऊपर व्हाइट वाला, वो ऊपर व्हाइट, वो ऊपर आपको ज़ूम इन करें ग्लेशियर नजर, बादल दिखा रहे हैं बादलों के नीचे बादलों के नीचे वो जो आपको बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा नजर आ रहा है वो है ग्लेशियर, हम इतना ही दिखा सकते थे आपको। ये हम पहुंच चुके हैं यूबिया जी, और ये हम है, ये हमारा गैंग है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। पर सही हो गया ना, लेवल हो गया ये, चेयर लिफ्ट से ध्यान से तकलीफ देंगे ये बात भी है, पॉइंट है। इधर आए तो देखे बगैर वीडियो ना बनाए, ये हुक हाथों में चुभ सकते हैं, खतरनाक है, चुभ सकते हैं। जियो आ जाओ चले। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस वक्त हम हैं अयूबिया पे, जो कि मरीज से कोई 30 किलोमीटर के लिए हर डिस्टेंस पे है, 33 हाँ, और ये है अयूबिया मार्केट है बेसिकली। ये ज़रा देख लें मेरे बैक साइड पे, आप भी बताएं, कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है, तो ये आप देख लें, आए मैं आपको दिखाता हूँ अयूबिया मार्केट का साइड में। यहाँ पे आप शॉपिंग के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लाइक लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए, और इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है। इनके ट्रेडिशनल्स हैं, लाइक वेयरिंग क्लॉथ्स और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, तो ये सारी चीज़ें इधर हैं, ये सारी चीज़ें इधर हैं, और ये इनकी रिवायती मार्केट है इधर, और ये सारे इधर की लेडीज़ वैराइटीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें वगैरह सब सारी हैं, और ये इनके सारे स्टॉल हैं, और ये सारा ये इनके स्पेशली मेवे जाते हैं इनके पहाड़ी में, पहाड़ी लोगों के, ये देखने सारा।